हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के सामने अपने 3 स्टूडेंट को लेकर के आया हूँ और इन लोगों से सामूहिक चर्चा, कुछ क्वेश्चन पुट अप होगा, पूछा जाएगा और इसमें चर्चा होगी आज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आज आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार होने वाला है। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को छोड़ करके मत जाइए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपका ये चैप्टर जान लीजिए कि अधूरा रह जाएगा। आज आपको ट्रांसफार्मर के बारे में प्रत्येक पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट और पूरा पॉइंट बताया जाएगा। जब आप ये पॉइंट पूरा सुन लेंगे तो जैसे स्टोरी या कहानी कोई सुनते हैं इस हिसाब से आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को अब तक यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिल लीजिए हमारे इन पुराने स्टूडेंट से और इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए। बताइए भैया अपना नाम बताइए सब लोग। मेरा नाम आदित्य भानचिन मेनन है। मेरा नाम सचिन वर्मा है। मेरा नाम अवधेश कुमार। तो अब चर्चा होती है, चलो पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इन लोगों से कि आप लोग बताइए कि ट्रांसफार्मर जो है मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, आप बताइए कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन। बता रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताइए कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये मूल रूप से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बता रहे हैं मूल रूप से 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनमें जो ट्रांसफार्मर के मूल नाम हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के होते हैं? पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। आप बताएंगे? पावर ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। बता रहे हैं कि तैयारी तो है लेकिन बहुत अच्छी सी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बता ही रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे? स्टेप अप और स्टेप डाउन। बता रहे हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट और पावर ये दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम बताते हैं आपको, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो भी आपका स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर एक होता है सिंगल फेज, मतलब फेज के आधार पर जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसके बाद वोल्टता जो मतलब एक तरीके से कहेंगे जो वोल्टता के आधार पर जो होते हैं ये मतलब क्रोड के आधार पर, सॉरी क्रोड के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी क्रोड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला होता है वो मतलब कौन कौन सा होता है, बता रहे हैं? ये लोग बता रहे हैं कि कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हम किस किस कोर से ट्रांसफार्मर को बनाते हैं? एल और आई, ये बता रहे हैं कि L का और I का। तो L I अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर U I भी लग जाएगा, या तो हम केवल L या हम केवल L दो तरफ से L लगा देंगे और L से कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन जाता है, या फिर हम एक U लगाएंगे और एक I लगा देते हैं। ठीक है, इससे भी मतलब कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्रोड कुंडलन को घेरती है या कुंडलन क्रोड को घेरती है, बताएंगे? कुंडलन क्रोड को घेरती है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होती है इसका जो कोर बन करके तैयार होती है ये अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा बन जाता है, और इसके दोनों साइड में हम क्रोड कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल फेज की वाइंडिंग की जाती है। इसके लिंब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एक समान होते हैं दोनों, है ना? दोनों लिंब जो पद होते हैं ये एक समान होते हैं जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, है ना? ठीक है, तो अच्छा ये बताइए ट्रांसफार्मर जो होता है कि मतलब वोल्टता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन, यही होता है ना? स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो स्टेप अप वोल्टता जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्या विशेषता है, स्टेप अप क्या क्या स्टेप होता है उसमें, वोल्टेज या करंट या पावर क्या होता है? वोल्टेज हमें जो आउटपुट होता है वो
ज़्यादा प्राप्त होता है स्टेप अप में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है तो ये किस प्रकार से स्टेप अप हो जाता है, इसमें फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है क्या? प्राथमिक के टर्नों से सेकेंडरी के टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अच्छा बताएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या विशेषता होती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में जो है ज़्यादा टर्न होता है, पतले तार का ज़्यादा टर्न, और सेकेंडरी में मोटे तार का कम टर्न होता है। अच्छा सेकेंडरी में बता रहे हैं मोटे तार का कम टर्न, और मतलब सेकेंडरी में मोटे तार का कम टर्न और प्राइमरी में पतले तार का अधिक टर्न होता है। अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण? चलो मैं बताता हूँ, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है E=4.44φm/N। तो इसमें E जो होता है वो EMF होता है =4.44×φm। तो मैक्सिमम फ्लक्स लेते हैं, ये फ्लक्स का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। इसके बाद रहता है आवृत्ति, और इसके बाद रहता है इसमें फेरों की संख्या। इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं विद्युत वाहक बल। क्या ट्रांसफार्मर में धारा को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला होता है? धारा को मैं बताता हूँ, धारा को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसमें रहता है 1000 × KVA, ठीक है, KVA गुड़े 1000/V1 या V2, जो भी हमको करंट निकालनी है हम उसी वोल्टेज से भाग दे देते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसमें करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों तरफ की करंट। अच्छा अब ये हमको बताइए कि जरा ट्रांसफार्मर में जो आपने बताया कि जो कोर टाइप होता है, कोर टाइप के अलावा सेल टाइप भी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, तो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में जो कुंडलन की जाती है ये कहाँ पर होती है? मरीज में। अच्छा मध्य वाले लिम्ब पर। तो जो जो उसमें जो क्रोड जो बनता है ये किस किस टाइप के क्रोड से बनता है? क्रोड के टाइप होता है और आई होता है। अच्छा ई और आई से बना सकते हैं, और ये एफ टाइप के क्रोड से भी बनाया जा सकता है, है ना? हाँ इस बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चित्र दिया गया था एफ क्रोड का, ठीक है। तो ये जो कोर टाइप जो है, सॉरी सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर है ये ई और आई और एफ इनसे सबसे बन जाता है, ठीक है, और जो वाइंडिंग होती है ये बीचों बीच होती है। अब सिंगल फेज का अगर हमको मतलब जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाना है तो हम मतलब सेंट्रल लिम्ब पर इसमें वायरिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो सेंट्रल लिम्ब पर करते हैं तो इसमें क्या प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हम कहाँ पर वाइंडिंग रखते हैं? प्राइमरी ऐसे नहीं, कम वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम क्रोड के पास रखते हैं, और अधिक वोल्टेज वाली जो वायरिंग होती है उसको हम क्रोड से दूर रखते हैं, ये होता है ना, ठीक है। अब हमको ये बताइए जो मतलब जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है इसमें सेंटर लिम्ब साइड लिम्ब की अपेक्षा क्या होता है? दो गुना होता है। तो मतलब बीच वाली जो चौड़ाई होती है सेंटर लिम्ब की चौड़ाई ये साइड लिम्ब की अपेक्षा दो गुनी रखी जाती है। अच्छा अब जो थ्री फेज का अगर मतलब हमको सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसमें तीनों लिम्ब कैसी होती है, एक समान होती है या अलग अलग होती है? थ्री फेज के जो ट्रांसफार्मर में दोस्तों जो तीनों लिम्ब होती हैं, सिंगल फेज में सेंटर लिम्ब दोगुना होता है जबकि साइड लिम्ब आधा होता है, जबकि थ्री फेज का जब हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं सेल टाइप तो उसमें तीनों लिम्ब जो होती हैं एक समान होती है, यही ना, एक समान रखी जाती है, ठीक है। अब अच्छा ये बताइए जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम CT और PT के नाम से जानते हैं, यही ना, ठीक है। CT और PT ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं। अच्छा अब ये बताइए हम CT को हम किस उपयोग में लाते हैं? करंट मापने के लिए। अच्छा जो उच्च मतलब उच्च हाई ट्रांसमिशन की जो लाइनें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें होती हैं, उसकी धाराओं को मापने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी करंट को घटा लेते हैं, ठीक है। जो CT होती है उसके साथ में हम एमीटर कौन सा लगाते हैं? कम रेंज का एमीटर लगाते हैं। तो ये कौन सा होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन? जो CT होता है किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। CT जो होता है, आप रॉन्ग बता रहे हैं, CT जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, CT स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और इसमें करंट वोल्टेज का मान ज़्यादा और करंट का मान कम होता है। तो करंट का मान जो घटाता है तो इसमें मतलब हम कम रेंज का एमीटर लगा सकते हैं। तो इसमें एमीटर जो है जनरली हम 5 एम्पियर या फिर कितने एम्पियर का लगाते हैं? 5 एम्पियर से 1 एम्पियर का, या हम 1 एम्पियर का लगाएंगे या 5 एम्पियर का लगाते हैं। अच्छा PT क्या होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन? PT जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें PT में जो सेकेंडरी होता है वो कितने होता है?
110 वोल्ट। पीटी जो होता है ये सेकेंडरी 110 वोल्टेज का होता है, ठीक है। तो इससे प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी हम वोल्टता के अनुसार 400 केवी या फिर हम 220 केवी या मतलब 800 केवी, 765 केवी की जो लाइन होती है या 132 केवी है ना या 11 केवी, लेकिन जो सेकेंडरी होता है ये हमेशा 110 वोल्टेज का होता है, ठीक है। अच्छा, जो CTPT होती है इसका रेटिंग क्या होता है जानते हैं? अच्छा, वोल्ट एम्पियर। इसका रेटिंग वोल्ट एम्पियर होता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है? KVA अथवा MVA अथवा VA, यही होता है ना जी। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रकार की शक्ति पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है आवासी शक्ति पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर का कैलकुलेशन इसके साथ नहीं होता है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर करता है ना। दूसरी जो इसके साथ में मशीनें जुड़ी होती हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, यही ना, ठीक है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये जनरली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये कौन कौन सा होता है? सिंगल फेज और थ्री फेज का, ठीक है। और इसमें भी वोल्टेज के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो जनरली अब वर्तमान में जो थ्री फेज के जो ऑटो ट्रांसफार्मर आ रहे हैं इनका उपयोग हम ट्रांसमिशन अथवा किस में कर सकते हैं? दोनों में हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर ऑटो, यदि हमको पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करें तो हमको क्या लाभ है? पैसा भी बचत हो जाएगा और वाइंडिंग में वेट वजन भी कम हो जाएगा, उसका ऑयल भी उसमें कम लगेगा, पैसा की बचत होगी, कॉस्ट की, मतलब सब लोग बचत की दृष्टि से सोचते हैं तो इसमें कीमत कम, पैसा कम लगेगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा, है ना, और कॉपर कम लगेगा तो पैसा भी कम खर्च होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए किसी भी मशीन की, और उसकी दक्षता भी जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, दक्षता? 95 से 98% तक बता रहे हैं भाई लोग सब। अच्छा, तो बताइए हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण ट्रांसफार्मर होता है इसकी दक्षता कितनी होती है? अच्छा, फुल लोड पर 50%, यही ना, फुल लोड पर 50% अथवा 1/2 फुल लोड पर होती है, यही ना जी। अच्छा, अब जो ट्रांसफार्मर होता है कि ट्रांसफार्मर को मूलतः मान लीजिए कि आपके घर के बगल में, अगल बगल में जो वितरण लाइन आती है वहाँ पर हम किस टाइप का ट्रांसफार्मर रखते हैं? स्टार 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 या स्टार डेल्टा या डेल्टा डेल्टा या डेल्टा स्टार, कौन सा हम ट्रांसफार्मर? डेल्टा स्टार बता रहे हैं भाई लोग। चार प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर उपयोग में लाते हैं। अच्छा, ये TT संयोजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कुछ? TT संयोजन जैसे ये थ्री फेज को टू फेज में कन्वर्ट करना या टू फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करना। हाँ, बता रहे हैं TT संयोजन का उपयोग हम थ्री फेज को टू फेज में और टू फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करने के लिए सप्लाई को इसका हम उपयोग में लाते हैं। और इस TT संयोजित ट्रांसफार्मर में मतलब एक होता है मूल ट्रांसफार्मर, दूसरे ट्रांसफार्मर का नाम बता सकते हैं? एक मूल होता है, दूसरा इसमें कौन सा होता है? टीजर ट्रांसफार्मर। दूसरा ट्रांसफार्मर टीजर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है तो टीजर ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात आप लोग बता सकते हैं? एक अनुपात 0.86, यही होता है ना, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 1:0866, यही होता है, ठीक है। जो मूल ट्रांसफार्मर होता है उसका रूपांतरण अनुपात कितना होता है? 1:1 इसका रूपांतरण अनुपात रखा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी में वोल्टेज बराबर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी में फेरों की संख्या बराबर होती है, प्राइमरी सेकेंडरी में करंट भी बराबर होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम किस नाम से जानते हैं? स्पाइक ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं या स्पाइक नाम है इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो स्पाइक को रोकने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अभी अभी पेपर में आया था UPPCL के TG2 के पेपर में, तो इसमें पूछा गया था जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका रूपांतरण अनुपात क्या होता है? 1:1, ठीक है। इसका रूपांतरण अनुपात 1:1 होता है। तो थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बताया भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर के बारे में। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और भाई लोग अपना हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर माय वाचिंग।